सुबिन बाबू थॉमस बने यूथ कांग्रेस के नवीमुंबई जिलाध्यक्ष। युवाओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का दोहराया संकल्प। नवीमुंबई युवक कांग्रेस को सुबिन बाबू थॉमस के रूप में अब नया अध्यक्ष मिल गया है। यूथ कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने युवा समाज सेवी सुबिन थॉमस को नवीमुंबई का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। दिवंगत कांग्रेस नेता बाबू थॉमस के पुत्र सुबिन थॉमस महाराष्ट्र के एक तेजतर्रार ट्रेड यूनियन लीडर माने जाते हैं। उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस के तमाम नेताओं और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं खुद सुबिन थॉमस ने अपनी नियुक्ति पर पार्टी आलाकमान के प्रति आभार जताया और सेकुलर विचारधारा एवं सर्वधर्म समभाव का समर्थन करने वाले युवाओं को यूथ कांग्रेस से जुड़ने का आह्वान किया। पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IYC के श्रीनिवास जी, उनको और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर ये कॉन्फिडेंस दिखाया है और ये की पोजिशन पर मेरा प्लेसमेंट किया है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो ये सेक्युलर और आइडियलिज्म का जो आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की रह चुकी है, उसको ही हम यूथ में फैलाएं। और हमारी ये हमेशा अपील भी रहेगी कि जो भी यूथ ये आइडियोलॉजी के फेवर में है, वो अच्छी मात्रा में यूथ कांग्रेस के साथ में जुड़े न्यू बॉम्बे तालुका में। मैं अपने युवा साथियों से ये आह्वान करता हूँ कि ये जो लोग इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स से परेशान हो चुके हैं और जो सेक्युलर आइडियाज़, जो कांग्रेस पार्टी की जो सेक्युलर आइडियाज़ है उसके फेवर में है, वो हमारी पार्टी में अच्छे मात्रा में जुड़े, ताकि हम पार्टी को एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर सकें और एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की भूमिका निभा सकें। बता दें कि निशांत भगत के पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बाद से ही नवीमुंबई यूथ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की कमी खल रही थी, जो अब सुबिन थॉमस के तौर पर पूरी हो गई है। फिलहाल नए जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश भर में युवा नौकरी, रोजगार और शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस ऐसे पीड़ित युवाओं की आवाज बुलंद करते हुए उन्हें न्याय दिलाने और सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करने का प्रयत्न करेगी। एज अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन हम यही कोशिश करेंगे कि BJP के जो फेल्ड पॉलिसीज है, जैसे GST इम्प्लीमेंटेशन, नोटबंदी, कोरोना वायरस के जो महामारी है उस पर प्रॉपर नियंत्रण से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आज केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एंड जो अगर ये हिसाब में बढ़ते गया तो हम दुनिया के नंबर वन हो सकते हैं ये केसेस पे। हम लोगों की आवाज़ इस एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की तरह इस फेल्ड पॉलिसीज़ के खिलाफ उठाएंगे। नवमुंबई यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनकी आवाज़ को बुलंद करके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे एक मजबूत संगठन तैयार करने की मेरी कोशिश रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।